नमस्कार, मैं हूं प्रणव से मल्टी प्राणवानंद और स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज कल आज और कल में। तो जानते हैं अभी तक की कुछ बड़ी खबरें। हरिद्वार सिडकुल स्थित एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले 288 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जबकि अभी 400 कर्मचारियों की रिपोर्ट आनी बाकी है। पुलिस ने फैक्ट्री प्रबंधन पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। कंपनी पर आरोप है कि कोरोना संक्रमण फैलने के बाद भी प्रबंधन ने कर्मचारियों को काम पर बुलाया। कंपनी ने शासन प्रशासन के निर्देशों का उल्लंघन करने के साथ साथ कर्मचारियों और अन्य लोगों के जीवन को भी खतरे में डालने का काम किया है। उत्तराखंड सचिवालय में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अनुभाग 2 का एक कंप्यूटर ऑपरेटर कोरोना पॉजिटिव आने के बाद एहतियातन अनुभाग को सील कर दिया गया है। RTO देहरादून में स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च छाजरा में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के बाद प्रतिदिन 40 लोगों के स्थायी लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट की व्यवस्था की गई है। वहां पर मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य किया गया है। मुख्यमंत्री उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बहुउद्देशीय साधन सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ किया। वहीं मुख्यमंत्री ने राजकीय महाविद्यालय खैरासैन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास भी किया। तो मुख्य समाचार में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।